गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम जॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जॉइंट्स के टाइप्स के बारे में पहले हमने जाना था। उसमें मेनली दो ही टाइप के होते हैं, एक मूवेबल जॉइंट होते हैं, दूसरा इमूवेबल जॉइंट होते हैं। फिर उसके बाद हमने जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था, कौन कौन सी जगह पर कैसे कैसे जॉइंट्स पाए जाते हैं और उनके नाम क्या है। जैसे पहला जॉइंट हमने पिवट जॉइंट पढ़ा था, जो नेक के पास पाया जाता है, जिसकी वजह से हम अपने नेक का मूवमेंट अप एंड डाउन भी करा पाते हैं और साइड वेज भी करा पाते हैं। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसी में हम पूरा समझने में हमने पूरा टाइम लगा दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो टाइम वर्थ था, क्योंकि आप सभी को समझ में आ ही गया होगा वो चीज़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? ग्लाइड मतलब क्या होता है? ग्लाइड का मतलब होता है, जैसे ग्लाइड मतलब होता है कि एक सरफेस के ऊपर दूसरा चीज़ मूव करना, बहुत स्मूथली फिसलना एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे ग्लाइडर्स होते हैं जो पानी के ऊपर जो है एक पर्टिकुलर टाइप का इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और उससे उस इक्विपमेंट से जो है वो मूव करते हैं पानी के ऊपर सरफेस पे। ठीक है, वैसे ही वहाँ पे बर्फ़ में भी बहुत लोग स्नो में मूव करते हैं, तो वो ग्लाइड कर रहे होते हैं, ग्लाइडिंग कर रहे होते हैं। ग्लाइड मतलब एक सरफेस के ऊपर फिसलना या फिर मूव करना बहुत ही स्मूथली या आसानी से। ठीक है, तो ग्लाइड ये वर्ड आपको ऐसे करके समझना होगा। अगर आप ये वर्ड समझ लेते हो तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी आप आसानी से समझ लोगे। तो चलो ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में बात करते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट में लिखा हुआ है, ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउज मूवमेंट बिटवीन द कनेक्टिंग बोन्स लाइक द रिस्ट एंड एंकल और द टू वर्टिब्री ऑफ द स्पाइन। तो ग्लाइडिंग जॉइंट क्या कह रहा है? इट अलाउज द मूवमेंट बिटवीन द कनेक्टिंग बोन्स। तो जहाँ पे दो बोन्स कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, उस जगह पे ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं अगर, तो वो उनके बीच में मूवमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देता है। ठीक है, जैसे इसके बारे में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, रिस्ट एंड एंकल और द टू वर्टिब्री ऑफ द स्पाइन। अब देखो, रिस्ट में ये जो ग्रीन वाला एरिया दिया हुआ है, इस ग्रीन वाले एरिया में क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये जो ऊपर वाली हड्डी है और नीचे वाली हड्डी है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है वो है, क्या कहते हैं, ये एक तरीके से कनेक्टिंग बोन्स का काम कर रहे हैं, इनके बीच में ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। ठीक है, तो ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से क्या कर रहा है, ये जो हम अपने रिस्ट होता है, रिस्ट को आसानी से घुमा पाते हैं, रिस्ट घुमा रहे हैं मतलब ये वाली जो नीचे वाली हड्डी है, ये वाली हड्डी आसानी से ये वाली जो ऊपर वाली हड्डी है इसके ऊपर आराम से मूव कर पाती है। ठीक है, तो कनेक्टिंग बोन्स अगर हैं और उनके बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट है तो मूवमेंट आसान है, अगर ग्लाइडिंग जॉइंट नहीं होगा तो मूवमेंट थोड़ा सा मुश्किल होगा। वही सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिंगर में आप अगर देखो तो ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी के बीच में जो जॉइंट है वो ग्लाइडिंग जॉइंट है, इसकी वजह से ही हम अपने फिंगर्स को मोड़ पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये जितने भी यहाँ पे ये जॉइंट्स हैं ये हर जगह पे ही ग्लाइडिंग जॉइंट है। सेम हम अपने एंकल में भी देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे, इस एंकल पे ये ग्लाइडिंग जॉइंट है, इसी वजह से हम अपने एंकल को आसानी से घुमा पाते हैं। सेम अपने जो पैर की उंगलियाँ होती हैं उनमें भी ऐसे जॉइंट्स हम पाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने पैर की उंगलियों को भी आसानी से ग्लाइड कर पाते हैं, स्लाइड कर पाते हैं एक दूसरे के ऊपर, मूवमेंट करा पाते हैं। ठीक है, और दूसरा और एक एग्जांपल, ये और एक इम्पॉर्टेंट ये एग्जांपल दिया, टू वर्टिब्री ऑफ द स्पाइन। ठीक है, तो जो वर्टिब्रीज होते हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगी हुई होती हैं, ये कनेक्टिंग बोन्स एक तरीके से बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। अब सोचो इनके बीच में अगर ग्लाइडिंग जॉइंट नहीं होता तो क्या हम झुक पाते? बिल्कुल नहीं झुक पाते, हमारा झुकना पॉसिबल ही नहीं होता ग्लाइडिंग जॉइंट के बिना। तो क्या होता है कि ये जो दो वर्टिब्री होती हैं ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर पाते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव कर पाते हैं। तो जब मूव करेंगे तो ये थोड़ा सा कभी बेंड हो जाएगा इधर के डायरेक्शन में, कभी इधर के डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। तो ये बेंड जो हम अपने बॉडी को कर पाते हैं वो इस ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से ही, हर वर्टिब्री के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट है, इसकी वजह से ही ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये भी हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ग्लाइडिंग जॉइंट का काम क्या है। ग्लाइडिंग जॉइंट नहीं होता तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है हमें,
हम मान लो सीधे खड़े हैं तो सीधे ही हम खड़े रह पाते हैं, हम झुक नहीं पाते, हमारी जो उंगलियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे मूव नहीं कर पाती, हम अपने उंगलियों को फोल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। आगे हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट के बारे में क्या कह रहा है, हिंज का ऐसे आप समझ सकते हो, हिंज जो होता है आपके जो दरवाजे होते हैं, दरवाजे के जो कब्जे होते हैं, कब्जों की वजह से आपके दरवाजे एक एक तरफ जो है बंद होता है और एक तरफ ही खुलता है, दोनों तरफ नहीं खुल पाता है। जो दोनों तरफ के वाले दरवाजे होते हैं उनका अलग कंसेप्ट है, लेकिन जो एक तरफ वाले दरवाजे होते हैं जो एक तरफ खुलते हैं सिर्फ, उन दरवाजों में कब्जे लगे होते हैं, दो तीन जो जॉइंट जहाँ पे होता है, जो चौखट होता है और दरवाजे के बीच में जो जॉइंट होता है, एक लोहे का फोल्ड कर फोल्डिंग सा फोल्डिंग के जो ऐसा कुछ मटेरियल होता है जो जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं, उसी को हम हिंज बोलते हैं, जिसको कब्जा भी शायद बोलते हैं, ठीक है। तो उसी से आप समझ सकते हो कि दरवाज़ा जो है एक तरफ ही बंद होता है, एक तरफ ही जा मतलब एक पर्टिकुलर एंगल तक जो है वो मूव कर पाता है, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी, उससे ज़्यादा वो मूव नहीं कर पाता। सेम वही कंसेप्ट हिंज जॉइंट का भी होता है। हिंज जॉइंट के बारे में कह रहा है कि हिंज जॉइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन ऑल जॉइंट्स दैट नीड एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। कह रहा है कि हिंज जॉइंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन ऑल जॉइंट्स दैट नीड एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। तो ऐसे हिंज जॉइंट्स कहाँ पर किस तरह के जगहों पर मूवमेंट का के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसी जगह पर हम जहाँ पर हमें अपने जो भी बोन्स हैं उनके उनको एक्सटेंड करना होता है या फिर उनको फ्लेक्स करना होता है, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या है, एल्बो एंड नी। एल्बो, एल्बो का अगर आप जॉइंट के बारे में बात करो तो एल्बो एक पर्टिकुलर एंगल तक ही सीधा हम कर पाते हैं, उसके बियॉन्ड हम सीधा नहीं कर पाएंगे। और अब जब हमें वापस फोल्ड करना होता है अपने हाथ को तो एक पर्टिकुलर एंगल तक ही हम फोल्ड कर पाएंगे, उसके बियॉन्ड हम फोल्ड नहीं कर पाते। तो इसमें लिमिटेशंस हैं और हम इसको यहाँ पे एक तरीके से एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बोन्स को, जो अपने हाथ का जो बोन है उसको एक पर्टिकुलर एंगल तक हम एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सटेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है। लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है, एक पर्टिकुलर एंगल तक ही हम इसको सीधा कर सकते हैं। जैसे ये अगर इसके एल्बो की बात करी जाए तो ये जो है सीधा सीधा बस इस एंगल तक ही ये सीधा हो सकता है, उससे ज़्यादा सीधा नहीं हो सकता। उससे ज़्यादा उसके बियॉन्ड अगर मैं चाहूँ कि ये हाथ इधर चला जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हिंज का ये खास बात है कि एक पर्टिकुलर एंगल तक ही मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेम हमारे नी का भी ये मूवमेंट ऐसे ही होता है, नी का भी मूवमेंट पीछे की तरफ, कितना भी पीछे पूरा का पूरा आपके थाइस को टच कर सकता है या हिप को टच कर सकता है, लेकिन आगे जो है पूरा का पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, उससे ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हिंज जॉइंट रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ तक कि आपके जो फिंगर्स हैं वहाँ पे हिंज जॉइंट भी हो सकता है वो एक तरीके से, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एंगल तक ही सीधा होता है, उसके बियॉन्ड सीधा नहीं हो पाता है, ठीक है। आगे अ हिंज जॉइंट अलाउज मूवमेंट ओनली इन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। आगे पीछे ही ये इसमें मूवमेंट हो पाता है, दाएं बाएं नहीं हो सकता। इट एक्ट्स जस्ट लाइक अ हिंज ऑफ अ डोर। तो दरवाजे का जो कब्जा होता है उसकी जैसा ही ये बिल्कुल काम करता है। द एल्बो ऑल्सो हैज अ हिंज जॉइंट। एल्बो पे हिंज जॉइंट है, ठीक है। फिंगर्स एंड टोज टू हैव हिंज जॉइंट। फिंगर्स और टोज पे भी हिंज जॉइंट है, ठीक है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट भी हो सकता है और हिंज जॉइंट भी है, दोनों ही होते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार एक जगह पे दो एक से ज़्यादा जॉइंट्स भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम आगे डिटेल में आगे बड़े वाले या फिर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं मसल्स। मसल्स हमारे बॉडी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब वैसे तो बॉडी के सारे पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम किसी भी बॉडी पार्ट को ऐसा नहीं बोल सकते ये कम इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम ऐसा कुछ बोलते हैं तो ये हम बहुत ही गलत कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर बॉडी का जितना भी पार्ट है सभी का अपना अलग अलग काम है। वो काम अगर नहीं होता तो उससे हमारे बॉडी को उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं मसल्स के बारे में। मसल्स के बारे में कह रहा है
कि योर मसल्स मूव द बोन्स ऑफ योर स्केलेटन। कह रहा है कि आपके जो मसल्स हैं वो आपके स्केलेटन के बोन्स को मूव कराने के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मतलब इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे मसल्स नहीं होते तो हमारे बोन्स मूव नहीं कर पाते, ठीक है। आगे कह रहा है, मसल्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट फ्लैशी टिश्यूज विच आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाई स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। तो क्या कह रहा है कि मसल्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट फ्लैशी, फ्लैशी मतलब जिसमें जो मांस के जैसा हो, ठीक है। फ्लैश मतलब होता है मांस, तो सॉफ्ट फ्लैशी टिश्यूज विच आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाई स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। तो ये जो मसल्स होते हैं ये बोन्स से किस चीज़ के थ्रू जुड़े हुए हैं, टेंडन्स के थ्रू। तो जैसे ये बोन्स हुए मान लो, ठीक है, ये मान लो बोन्स हैं और ये मान लो मसल्स हैं। तो बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करने का काम कौन सा कर रहा है, कौन सी चीज़ कर रहा है, एक कुछ फाइबर है, ठीक है, वो उसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और वो फाइबर का नाम क्या है, उस फाइबर का नाम है टेंडन, ठीक है। तो टेंडन्स आपको ये भी टर्म आपको याद रखना है। तो टेंडन्स क्या करते हैं, मसल्स को और बोन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना होगा और आगे आने वाली क्लासेस में भी, और ऐसे जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जो ऐसे की वर्ड्स होते हैं, ये आपको हमेशा ही याद रखना होता है, ठीक है। ये इसका जो है, इसका नाम आप मतलब कहीं भी जा रहे हो तो इसका नाम ऐसे रैंडमली ले लिया, किसी को आपने ऐसे नॉलेज दे दिया, कोई भी आपके आसपास में है या आपसे बड़े हो तो उनको आप ये ऐसे जनरल नॉलेज के नाम पे आप इनको बता सकते हो कि आपको पता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं और जो बोन्स होते हैं उनको कनेक्ट कराने का काम कौन कौन सी चीज़ करता है। तो वो ऑब्वियसली पूछेंगे कौन सा ऐसा चीज़ है, तो आप बोल सकते हो कि एक फाइबर्स, एक स्पेशल टाइप के फाइबर्स होते हैं, ख़ास तरीके के फाइबर्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रांग होंगे तभी तो स्ट्रांग बोन्स को बोन्स को जो है अटैच करने की कोशिश कर रहा है। तो उनका नाम है टेंडन्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, और याद रखने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने आसपास के लोगों को बार बार ये चीज़ अपने आसपास के लोगों को बताओ ताकि आपको बार बार रिकॉल होता रहे, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स। फर्स्ट वन इज़ वॉलंट्री और स्केलेटल मसल्स, सेकेंड वन इज़ इनवॉलंट्री और स्मूथ मसल्स, एंड थर्ड वन इज़ कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो ये तीन टाइप के मसल्स होते हैं या मस्कुलर सिस्टम्स होते हैं। तीन हमारे जो मस्कुलर सिस्टम है वो तीन तरह के मसल्स से मिलकर बना हुआ है। पूरा का पूरा बॉडी में जो भी मसल्स हैं वो इन तीन तरह के मसल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इनको। तो इतना मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मसल्स के जो टाइप्स हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।